तुम जिस मिशन पे जाते हो कोई न कोई मारा जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जानें इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की चुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहां हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है।
बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं, कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है तुम्हारी शादी हो गई, जवाब में सलमान कहते हैं डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है, तो कैटरीना कहती है नहीं अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पार्क में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाअल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए तकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान के दावों पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से।
फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मौका जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। रॉकेट चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। रॉकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावत के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूम में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे।
दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जानें इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यहीं से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की चुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे।
दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेंस की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही, फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक थ टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदि चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदि चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एम एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर मांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एक आध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राके चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राके कार्यप्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है।
हर नजरिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनजर इस फिल्म का भारत निश्चित ही न हो तो गांधीवादी है और न ही सॉफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थित दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की चुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं यार, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद की जा रही थी,
लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाए थे। फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ये सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवर्ष नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए तकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेंस की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं। वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर मांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है, जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है।
और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को ना दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एक आध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेश चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही सॉफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। मासाला, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की जुबा पर भी थे। मासाला गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं।
सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं, कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है तुम्हारी शादी हो गई, जवाब में सलमान कहते हैं डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है, तो कैटरीना कहती है नहीं अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस्त नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए तकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेंस की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं। वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है।
दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे उड़न खटोले उड़ाने और एक आध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। रॉकेट चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। रॉकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावत के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूम में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे।
आइए जानें इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की छुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवश नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए तकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी सुयोग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएँ पसंद आई थी।
सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही, फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान के दावों पर रिएक्ट करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक थ टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदि चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदि चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एम एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर मांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एक आध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेश चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार्यप्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्क्लोज्ड रकम
के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यहीं से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की जुबा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी।
कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवर्ष नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं। वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगें बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है, जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं।
आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगाते उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेश चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावर्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही न हो तो गांधीवादी है और न ही सॉफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। मासाला, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की जुबा पर भी थे। मासाला गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं।
सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं, कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है तुम्हारी शादी हो गई, जवाब में सलमान कहते हैं डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है, तो कैटरीना कहती है नहीं अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के सुरगई मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ये सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस्त नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएँ पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेंस की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं। वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है।
दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेट चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे।
आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की छुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस्त नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएँ पसंद आई थी।
सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही, फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान के दावों पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक थ टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एम एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। रा के चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। रा की कार्यप्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्क्लोज्ड रकम
के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांग भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाला, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की चुपा पर भी थे। माशाला गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी।
कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ये सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवर्ष नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही, फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एम एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है, जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं।
आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा फिरती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एक आध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेश चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मिल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार्यप्रणाली को पर्याप्त यथावर्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही न हो तो गांधीवादी है और न ही सॉफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन, सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। मासाला, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की जुबा पर भी थे। मासाला गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं।
सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं, कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है तुम्हारी शादी हो गई, जवाब में सलमान कहते हैं डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है, तो कैटरीना कहती है नहीं अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्ताबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवर्ष नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाय पसंद आई थी। सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही। फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं। वह सलमान खान की अदाओं पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक था टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी है और हीरो भी खैर हीरो ही है।
दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरत अंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे, उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। राकेश चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। राकी कार प्रणाली को पर्याप्त यथावार्थ के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही न हो तो गांधीवादी है और न ही सॉफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगा नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांक भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था। एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे।
आइए जानें इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार एक्शन सीन है। कैटरीना के अभिनय से ज़्यादा उनके एक्शन सीन दर्शकों को ज़्यादा पसंद आए थे। सलमान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणवीर सरू और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे। पूरी फिल्म में कैट और सलमान खान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज़्यादा एक था टाइगर में कैटरीना से अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांस बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन्स हो या एक्शन सीन सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में यह फिल्म मीर का पत्थर साबित हुई थी। माशाल्लाह, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हुए थे और लोगों की चुपा पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहाँ हिट होने के सारे गुण मौजूद थे, वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता, सभी कैटरीना और सलमान खान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिससे उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बाखूबी इस्तेमाल किया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म के कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान खान के रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? तो कैटरीना कहती है, नहीं यार, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैटरीना कहती है, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है, पूरी फिल्म में चुलबुले हंसाने वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान खान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज़्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म में था टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था कि फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमाई थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग डल्बिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर फिल्म से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैटरीना ने बोरी डांस सीखा था। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। सितारों का कहना था कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म जुड़ जाएगी। यह फिल्म पूर्णवस्त नक्षत्र में सिद्ध युग में रिलीज हुई थी, जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। चोपड़ा का भयंक 9 था और उस वर्ष का भयंक 5 था, जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए तकी था। आदित्य का मूल्यांकन 3 था, जिससे फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बाखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हुई थी। सलमान खान का भयंक 3 था और कैटरीना का भयंक 4। इन दोनों को भी वह वर्ष सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दोनों में सलमान के लिए वह वर्ष अधिक भाग्यशाली था। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहे थे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आई थी।
सलमान खान की किसी फिल्म का रिव्यू करना एक जोड़ी सेल्स की स्त्री करने की तरह है। वाकई आखिर सलमान खान इसमें भला क्या दुख है? दर्शक तो सलमान खान की फिल्म वैसे भी देखेंगे ही, फिल्मकार भी यह जानते हैं कि एक बार इस सुपर सितारे को साइन करने के बाद उनके पास ज़्यादा काम बाकी नहीं रह जाता, सिवाय इनके कि सलमान खान मैनिया को जमकर भुनाए। यहाँ इस बात के ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि फिल्म में सलमान खान कौन सा किरदार निभा रहे हैं। दर्शक मानते हैं कि सलमान खुद एक किरदार हैं, वह सलमान खान के दावों पर रिएक्ट करते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कैटरीना कैफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ कहते हैं कि अभी तक सलमान खान की शादी नहीं हुई है। दर्शक हंस पड़ते हैं। अगर फिल्म सलमान खान की है तो कोई बेतुकी रिमेक जैसे बॉडीगार्ड और रेडी भी काफ़ी होगी, लेकिन इन मायनों में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके कबीर खान की एक थ टाइगर एक बेहतरीन अपवाद है। पहली बात तो यही है कि समझदार और सुलझे हुए निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि फिल्म में एक कहानी हो। क्रेडिट ने हमें बताया है कि यह फिल्म की कहानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म लिखने वाले आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। दो दुश्मन मुल्कों के खुफिया एजेंट की बेपनाह मोहब्बत की दास्तान के रोमांटिक ख्याल के पीछे आदित्य चोपड़ा की कल्पना ही हो सकती है। एक जासूस ISI पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से है और दूसरा रहा इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से। फिल्म की नायिका इस भूमिका में बहुत सहज और बेहद खूबसूरत लगी हैं और हीरो भी खैर हीरो ही है। दोनों सिलेक्टर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से बेहद जुदा तीन शहरों डबलिन, इस्तांबुल और हवाना में प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। फिल्म की लोकेशंस मोहक हैं, क्लास बॉर्डर रोमांच की शिद्दत भी हम महसूस करते हैं। सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री कामयाब साबित होती है। फिल्म देखकर आप कह सकते हैं कि उनके निर्माता यशराज ने यहाँ अपने अप्रवासी दक्षिण एशियाई दर्शकों के साथ ही भारतीय सिंगल स्क्रीन के साथ सलमान खान के परंपरागत दर्शकों को भी साधने की कोशिश की है और दोनों की तरह दर्शकों को इस फिल्म से निराशा नहीं होगी। सलमान खान ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है जिसका कोड नेम टाइगर है। पिछले 12 सालों में उसने छुट्टी नहीं मनाई है और वह एक इंटरनेशनल असाइनमेंट से दूसरे में व्यस्त रहता है। गोपी यानी रणबीर शौरी उसका सहायक है। उसका नामकरण निश्चित ही मिथुन चक्रवर्ती के गन मास्टर G9 यानी सुरक्षा वारदात पर किया गया है। दोनों जासूसों को एक भारतीय मिसाइल वैज्ञानिक का पता लगाने डबलिन भेजा जाता है जो अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यह भूमिका रोशन सेठ ने निभाई है और सलमान खान की फिल्म में उन्हें देखना शौकाता नहीं है। उनके घर में एक लड़की यानी कैटरीना कैफ अक्सर नजर आती है। उसे देखकर यह बात पाना मुश्किल लगता है कि वह कोई स्टूडेंट है या वैज्ञानिक या कि कोई रिश्तेदार। शायद वैज्ञानिक अपने देश के रहस्य ISI को बताता हो, लेकिन हम अभी यह नहीं जानते या शायद हम जानते हैं। आपको क्या लगता है? इसके बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से फिल्म से गुमशुदा हो जाता है और सलमान उभर कर सामने आते हैं। आयरलैंड में अनेक एजेंटों द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जैसा कि इससे पहले इराक और इसके बाद में क्यूबा में भी होता है। वह ट्राम पर दौड़ते हैं और वह किसी भी मिनी ट्रक से जा भिड़ती है या वे एक लेस के सहारे सीढ़ियों पर फिसलते हैं। इस दौरान वे दो गन से गोलियां भी ताकते रहते हैं, लेकिन पुलिस बस सलमान के करतब देखती रह जाती है। जिन फिल्मों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है उनके साथ यह दिक्कत होती है कि ट्रेलर्स में उनके बेहतरीन हिस्सों को बार बार दिखाकर उनका रोमांच खत्म कर दिया जाता है। फिल्म देखते हुए हमें लगता है कि इसके कुछ बेहतरीन दृश्य तो हम प्रमोशन से पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन हैरतअंगेज एक्शन दृश्यों को फिल्माने का श्रेय फिल्मकारों को न दिया जाए। हॉलीवुड की फिल्में इससे 10 गुना बजट खर्चा करने के बावजूद इसे बेहतरीन एक्शन दृश्य नहीं फिल्मा सकती थी। सलमान खान की पिछली फिल्मों से यह फिल्म इन मायनों में अलग थी कि इसमें नायिका को भी इमारतों से छलांग लगा दे उड़न खटोले उड़ाने और एकाध मुक्का जमाने का मौका मिलता है। फिर हमें पता चल ही जाता है कि लड़की ISI एजेंट है। रॉकेट चीफ यानी गिरीश कर्नाड दुखी मन से कहते हैं, दुनिया के 200 मुल्कों की लड़कियों में से टाइगर को केवल एक पाकिस्तानी लड़की से ही इश्क हुआ। निश्चित ही यह उसकी ड्यूटी के दायरों से बाहर की बात थी। ऐसे में सरकार को निश्चित ही टाइगर की लानत मलानत करना है। रॉकी कार्यप्रणाली को पर्याप्त यथावत के साथ दिखाया गया है। ISI दुनिया भर में बदनाम है। हर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय खुफिया एजेंसियों पर खर्चा की जाने वाली अनडिस्लोम हस्ट रकम
के मद्देनज़र इस फिल्म का भारत निश्चित ही ना हो तो गांधीवादी है और ना ही साफ्ट स्टेट। लेकिन नायक और नायिका दोनों ही अपने देश के साथ तगाने नहीं करते, वह बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम जानते हैं अंत में जीत प्यार की होगी और यकीनन हम यह भी जानते हैं कि अंत में जीत सलमान खान की ही होगी। जब मैं रिव्यू कर रहा था तब मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले मुझे कब सुबह 9 बजे के शो के लिए एडवांस में खरीदे गए टिकट के बावजूद लंबी कतार में लगभग मल्टीप्लेक्स में दाखिल होने को मजबूर होना पड़ा हो, जबकि यह तो अभी 15 अगस्त ही था, ईद अभी बाकी थी, एक पूरा सप्ताहांग भी शेष है। जैसे कि मिसाल है, जब खुदा मेहरबान है, खैर इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सलमान खान की यह फिल्म जरूर ही आपके पैसे वसूल करवा देगी। दबंग के चुलबुल पांडे के बाद एक बार फिर यहाँ इस अभिनेता ने एक जीवंत किरदार को निभाया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान खान के कई रूपों को एक साथ देखा था, एक जासूस, एक लवर, एक देशभक्त और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में भी। एक था टाइगर में सल्लू और कैट के एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए थे। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म कितनी अच्छी मानी गई थी। इसकी कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज़्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार चढ़ाव और आता है कहानी में रोमांच। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा रोमांच करने वाला है, क्योंकि उसमें भरमार एक्शन